के गोले चलाते रहे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इन उपद्रवियों से निपटने के लिए अपना अत्याधुनिक हथियार लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस मैदान में उतार दिया है। यह डिवाइस ध्वनि तरंगों के जरिए करीब 1 किलोमीटर की रेंज में प्रभाव डालेगी, जिसे कुछ समय के लिए उपद्रवियों के सुनने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और साथ ही इसे थकान और उल्टी जैसे लक्षण भी आते हैं। तो अब इन मशीनों का इस्तेमाल किसानों के लिए किया जाएगा। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा था और अब ये ध्वनि मशीन, जिससे ऐसी तरंगे निकलेंगी जो सुनने सोचने समझने की शक्ति को कुछ पलों के लिए थमा दे। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अपनी तकनीक को बदल लिया है। कल से सीख लेते हुए आज वो आंसू गैस के गोलों के ऊपर गीली बोरियां डाल रहे हैं, पतंगे हवा में उड़ा रहे हैं, ताकि जो पुलिस के ड्रोन्स हैं, चाहे आंसू गैस टीयर गैस के लिए हो या सर्विलांस के लिए, वो उड़ ही ना पाए। अब ऐसे में कैसे निपटा जाएगा, दिल्ली में तैयारियाँ क्या है, तो दिल्ली पुलिस एक गुप्त हथियार को लेकर आई है। वो गुप्त हथियार जो DRDO के द्वारा निर्मित है और जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी कई बार ऐसे स्थानों पर करती है जिसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। खासतौर पर हम LAC की बात करें, इंडिया और चाइना बॉर्डर की बात करें, ये एक आपको नॉर्मल सी वाहन नज़र आएगा और इसके अगर ऊपर से दिखाएं तो इसके पीछे एक जनरेटर लगा हुआ है। अगर आगे करके दिखाएंगे तो नज़र आएगा कि यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है। आप सोचिए कि जहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, जहाँ पर किसानों का आंदोलन हो सकता है, वहाँ जनरेटर से भला दिल्ली पुलिस चलाना क्या चाहती है। तो अगर आप आगे आएंगे तो समझ में आएगा कि ये अपने आप में अत्याधुनिक तकनीक है, क्योंकि जब ड्रोन्स काम नहीं कर रहे हो पतंग उड़ाने की तकनीक से, जब बोरी डाल करके किसान बुझाने की कोशिश कर रहे हो आंसू गैस को, तब ये तकनीक सामने आई है। ये इंडियन आर्मी के द्वारा पहले भी इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इसका नाम है एल रोड, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। जी हाँ, इसकी अगर एक बैटरी की बात करें तो इसकी एक बैटरी की कीमत भी करोड़ों में आती है और इसके ज़रिए जो ध्वनि तरंगे हैं वो छोड़ी जाती है। अगर इसकी सिस्टम की बात करें तो इसे कहा जाता है लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस, और इसके ज़रिए जो साउंड वेव है उसे इस लिहाज से छोड़ा जाता है जिससे लगभग 500 से 700 मीटर यानी कई बार तो अगर इसे फुल पावर पे लगाया जाए तो 1 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति होगा उसे कुछ देर के लिए मितली आएगी, उल्टी जैसा लगेगा, उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, बहुत तेज़ साउंड वेव आएगी। और ये साउंड वेव कुछ ऐसी ही है जैसे माइक्रोवेव्स होती है, जिसका असर हमारी तंत्रिका सिस्टम पे पड़ता है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, यानी ये खतरनाक हथियार नहीं है जिससे लॉन्ग टर्म असर हो। लेकिन एक बार दोबारा विजुअल की तरफ जाइए, लेकिन इसका जो असर है वो शॉर्ट टर्म रहेगा और भीड़ इसके सामने चाहे सैकड़ों की हो चाहे हजारों की हो, लेकिन ये भीड़ माइग्रेन, चक्कर आना, सुनने की हानि जैसी समस्याओं को, लक्षणों को अनुभव करेगी। यानी उन्हें इतनी तेज चक्कर आएगा, उनके सुनने सोचने समझने की शक्ति एलरोड की वजह से इतनी कम हो जाएगी कि वो आंदोलन नहीं कर पाएंगे, वो आगे नहीं आ पाएंगे, वो सीधे तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उससे टक्कर नहीं ले पाएंगे। तो ये सबसे अत्याधुनिक हथियार है जो दिल्ली पुलिस ने अब सिंघू बॉर्डर पर उतार दिया है, शंभू बॉर्डर से सीख लेते हुए। और इसको दोबारा दिखाइए, ये है एलरोड, और जिस तरह से वेव होती है, साउंड वेव का इस्तेमाल इतनी तेज फ्रिक्वेंसी पे किया जाता है जिससे सुनने सोचने समझने की शक्ति प्रदर्शनकारियों की खत्म हो जाती है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, कोबरा से लेकर के RAF और उसके आगे जो पूरी की पूरी तैयारी है, आगे आपको नज़र आएगा हरियाणा में आपका स्वागत है। लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा में आपका स्वागत है, लगभग 100 मीटर दूर अगर वहाँ से प्रदर्शनकारी आए, उन्होंने पतंग उड़ा करके ड्रोन्स को निष्क्रिय करने की कोशिश की, उन्होंने गीली बोरियों का इस्तेमाल किया, तो एलरोड यानी साउंड फ्रिक्वेंसी से चलने वाला ऐसा यंत्र दिल्ली पुलिस ने तैयार रखा है जो लगभग 1 किलोमीटर की एरिया में जो सामने से आएंगे उनके सोचने समझने सुनने की शक्ति कम कर देंगे और कुछ देर के लिए उनके कानों में ऐसी सनसनाहट होगी मान लो कई सायरन एक साथ बज रहे हो। तो एलरोड है किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए सबसे अत्याधुनिक हथियार, जिसे दिल्ली पुलिस इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर लेकर आ गई है। कैमरा सहयोगी सौमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर।